पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रॉकेट लॉन्चर के गोले से खेल रहे थे बच्चे, धमाके में 4 बच्चे सहित 8 की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ बड़ोदरा में किया रोड शो। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, मुश्किल में राजा भैया, डीएसपी हत्याकांड में जारी रहेगी सीबीआई जांच। दिल्ली की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक सुनीता चौधरी पर हुआ जानलेवा हमला, मौके पर नहीं पहुंची पुलिस, ड्राइवर फरार। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल का एक्सीडेंट, बाल बाल बचे, गाड़ी के ऊपर खच्चे। मणिपुर में सुरक्षा हालात के मद्देनजर वन डिस्ट्रिक्ट वन फोर्स व्यवस्था जल्द होगी लागू। मुंबई के जुहू इलाके में बिल्डिंग के नीचे संदिग्ध हालत में मिली महिला की लाश, हिरासत में कांस्टेबल, पूछताछ जारी। शानदार तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 173 अंकों के उछाल के साथ 66,118 और निफ्टी 52 अंकों के उछाल के साथ 19,723 अंकों पर हुआ क्लोज। उदयपुर जिले के बोदोली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार, बोले आरक्षण बिल पास होने के बाद महिलाओं को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की जा रही है कोशिश।